वो बढ़िया गेम थी। गुड नाइट बार्बी, लव यू। और तुम गुड नाइट प्यारे जैक्सन। लगता है ये सो गई, तो मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। I'm a Barbie girl in the Barbie world. Oh, मेरा अपना सीक्रेट रूम सही रहेगा। Oh, ouch! मुझे उसका पीछा करना है। Oh, wow, ये कितना ब्राइट है। ये दूसरे टॉय वर्ल्ड का पोर्टल है। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, वो बहुत डरावना है। ओह, नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैं कहाँ हूँ? ओह बार्बी, हेलो। ओह, मेरे ग्लासेस। वाह, ये बहुत अच्छा है। क्या ये सब तुमने खुद किया है? हाँ हनी, ये मेरी ही कलाकारी है। बहुत अच्छे, ये बार्बी का सीक्रेट रूम है। वाह, तुम्हारे खुद के पोस्टर्स लगे हैं। हे, छुओ मत, मुझे माफ कर दो। चलो चलें, मैं तुम्हें अपना जादुई ड्रेसिंग टेबल दिखाती हूँ। वाह, मैं कितनी सुंदर हूँ। उठो, तुम सो गई थी। ओह, और मैं सपना देख रही थी कि मैं सुंदर हूँ। ओह, मेकअप, वैसे ही मेरा है। वाह, ये सुंदर है। बहुत अच्छे, यहाँ बहुत सारा ब्यूटी का सामान है। ओह, ये क्या है? ये कर्लिंग आयरन है। ओह, मैं अपने बाल बनाने की कोशिश करती हूँ। क्या तुम्हारे बाल साफ हैं? खैर, लगभग। अब कर्लिंग आयरन लो। अरे नहीं, ये गर्म है। ध्यान से बच्चों, और हम ऐसे कर्ल्स करेंगे। हे, एक स्ट्रैंड डाई करके देखो। ओह, ये अच्छा आइडिया है, पर ये रही हेयर डाई। हाँ, हम इसे पानी में डालते हैं। ठीक है, अब हम इसमें स्ट्रैंड्स डालते हैं। वाह, बहुत अच्छे। हे बार्बी, इसे देखो। बार्बी, ओह, ये क्या है? मैं बिजी हूँ, डिस्टर्ब मत करो। ओह, मुझे माफ कर दो, मैं अब बहुत अच्छी लग रही हूँ। मेरे दांतों का क्या हुआ? कितने गंदे लग रहे हैं। ह्यू, तुम्हारे मुंह में से कूड़े की बदबू आ रही है। कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर लूंगी। ओह, एक च्युइंग गम। ओह, अब बेहतर है। गम दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। आउच, ये दर्द कर रही है। ये तुमने क्या किया? मदद करो। उप्स। ओह, मेरे एक्ने बेकार हैं। इन्हें ठीक करने का समय है। मैं क्लींजिंग फोम लगाऊंगी, फेशियल ब्रश से उसे फैलाऊंगी, साफ करूंगी और हे भगवान, सामने कौन है? ओह, ये किसके लिए है? ओह बार्बी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ओह, ये मस्कारा है, उम्मीद है ये दर्द नहीं करेगा। मैं पहुंच नहीं पा रही। ओह, मुझे पता है क्या करना है। क्या तुम कभी स्टिल्ट्स पर खड़ी हुई हो? ओह, ये बहुत ऊंचा है। चलो भी, इधर आओ, थोड़ा और पास। हिलना मत। हो गया, अपनी आंखें खोलो। मैं कुछ नहीं देख पा रही, मेरे ग्लासेस कहाँ हैं? वो जरूर बैकपैक में होंगे। बिना देखे उन चीजों को ढूंढना मुश्किल है जो तुम्हें देखने में मदद करते हैं। और ये यहाँ क्या कर रहा है? ये रहे ग्लासेस। ओह, क्या चल रहा है? अपना चश्मा उतार दो, ये स्टाइल के रूल्स तोड़ रहे हैं, इन्हें मत पहनो। चलो तुम्हें स्टाइलिश बनाते हैं स्वीटी। ये रही मेरी बढ़िया ग्लासेस की कलेक्शन। ओह, मुझे यकीन नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आए। मेरे पास आइडिया है, और वो है ही केन, तुम कहाँ थे? क्या तुम्हारे शर्ट पर एलोवेल की लिपस्टिक है? ओह नहीं। चलो कोने को काट देते हैं। अब इसे चिपका देते हैं ऐसे। ओह, कितने अच्छे हैं। ओह, ग्लिटर बहुत बढ़िया है। ओह, ये कितनी तरह की है, मैं कैसे चुनूं? बार्बी, मदद करो।
ये वाली तुम पर सूट करेगी। ठीक है। अच्छा। ओह, माफ करना। अब ये सारी टेबल पर फैल गई। हे, रो मत। पागल, मैं देखती हूँ कि क्या करना है। देखो मुझे क्या मिला। क्या तुम तैयार हो? क्या भूल जाओ? हाँ, फिर वाह, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया, पर मेरे हाथ पिघल गए। क्या तुम ठीक हो? बार्बी, मेरी बढ़िया लुक चुनने में मदद करो प्लीज। तुम मेरी वार्डरोब में से कुछ ले सकती हो? वाह, शुक्रिया। तो यहाँ क्या क्या है? ओ, ये बहुत छोटे हैं। मैं छोटी कैसे हूँ? या फिर ड्रेस ऑर्डर करना बेहतर रहेगा। उसको सिर्फ 3 लाइक्स चाहिए। ओ, वो लाइक्स। 1, 2। मैं पहुंच नहीं पा रही। हे दोस्तों, प्लीज मदद करो। इस वीडियो को लाइक करो प्लीज। मुझे हॉट सॉस पसंद है, ये बहुत स्वादिष्ट है। और मुझे कोका कोला पीना भी पसंद है। हाँ, हे तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, अपनी कमर का नाप लो। जाहिर है अगर तुम मोटी नहीं हुई हो तो। ठीक है, तो ये 66 है। और अब मेरा नाप लो, ये 12 है। अब मेरे सामने एक और मुश्किल है, पर वर्कआउट के साथ इससे निपटना आसान है। और 1 और 2, और 1 और 2, 99, 100, 180। हे बार्बी, मैं सारा जंक फूड खा रही हूँ ताकि तुम्हारे लिए कुछ ना बचे। ओ, एक नोटिफिकेशन। ओ दोस्तों, लाइक्स के लिए शुक्रिया। लव यू। वाह, बहुत अच्छे। वुहू। ध्यान से, एकदम परफेक्ट। आज के लिए मैं तैयार हो गई। मैं अपनी नई जिंदगी से मिलने के लिए तैयार हूँ। इतनी जल्दी नहीं लड़की। हे, क्या हुआ? ओ, तुम इस बैकपैक के साथ नहीं जा सकती। ठीक है, इसमें से सब बाहर निकाल देते हैं, शायद ये काम करेगा। सुंदर लग रहा है। पेंसिल केस से फ्लावर्स के साथ एक क्लच बनाओ। पर मुझे फ्लावर्स कहाँ से मिलेंगे? ओ, मैं ये ले लेती हूँ। वाह, ये कितना सुंदर है। और आखिरी टच, एक परफ्यूम। मुझ में से फ्लावर्स की तरह खुशबू आएगी। जैक्सन खुद को रोक नहीं पाएगा। मैं सिर्फ अपने केन को मिस कर रही हूँ। बिल्कुल, तुम्हारा केन। मेरे वाले की तरफ देखना भी मत। आराम से बार्बी, मेरा भी बॉयफ्रेंड है। ओह, वो कितना अच्छा है। लॉकर, क्या तुमने कुछ कहा? मुझे पता था, अब समय आ गया है। ओह, मैं बहुत लापरवाह हूँ। ओह, हाय जैक्सन। वाह, हाय। मुझे माफ करना, तुम बहुत। हे, तुम क्या कर रही हो? मुझे हार्लिक्विन अच्छी लगती है, और तुम बार्बी की तरह लगती हो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे मैं पसंद नहीं हूँ, उसे हार्ली पसंद है। उसे हार्लिक्विन चाहिए, उसे मिल जाएगी। हाँ, मेकअप से शुरू करते हैं, ये मुश्किल नहीं है। हाँ, ओह, मुझे लिपस्टिक चाहिए। वो कहाँ गई? ओह, एक केचप उसी का काम करेगा। वाह, मैं कितनी अच्छी हूँ। हाँ, एक मिनट रुको। एक बैड गर्ल लुक के लिए मेरी टाइट्स में इतने होल्स नहीं हैं। ठीक है बार्बी, क्या तुम मेरी टाइट्स में मदद करोगी? आसान है दोस्त। आउच, क्या? वुहू। हे, तुम क्या कर रही हो? मुझसे बहस करने से पहले देखो। क्या? ओ, बहुत अच्छे। शुक्रिया बार्बी। ठीक है, मुझे याद है, वो यही था। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ओ हाँ, ये काम आएगा। मुझे पहन के देखने चाहिए। कुछ अजीब लग रहा है, पर क्या मुझे समझ नहीं आ रहा? ओ, और ये अच्छा आइडिया है।
मैं कुछ करती हूँ, चलो कोशिश करते हैं, लेते हैं। ओह, यही मिसिंग था। और अब हम इसे शूज पर लगा देते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। हे, तुम बंद हो जाओ। बू। हे बार्बी, तुम ट्रेंडी नहीं लग रही। अब हम तुम्हें ठीक करेंगे। आउच, ये दर्द कर रहा है। मुझे सच में अच्छा लगा। वाह, तुम बहुत सुंदर हो। हेलो बेवकूफो। ओह जैक्सन, हेलो, तुम कैसे हो? ओह हाय। हाँ, तुम्हारी मर्जी, बेहतर होगा तुम इसे किस करो। कितने बड़े लूजर हो, ये बहुत अच्छा था। हे, तुम कौन हो? हे दोस्तों, कमेंट्स में लिखो कौन बेहतर है, मैं या हार्ली। हे, ओह हाय, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। हेलो हैंसम, और तुम मुझे क्या दोगे? पहन कर देखो। क्या, क्यों? हमें इस लड़की को बचाना होगा। वाह, ठीक है, चलो चले। एक पार्टी हैट प्यारी है। देखो, ऑरेंज सो रही है। उसने बहुत सारी ट्रीट्स खा ली और अब वो बड़ी पार्टी से पहले अपनी एनर्जी बढ़ा रही है। ठीक है, उठो। ऑरेंज को उठाना एक बुरा आइडिया है। अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो नाराज हो जाएगी। लेकिन बेबी की खुशबू ने काम कर दिया। तुम सोफी को नहीं खा सकती। इस चॉकलेट बार को खा कर देखो, इसका स्वाद बच्चों जैसा होता है, लेकिन मूंगफली के साथ। चलो भी, रैपर मत खाओ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा इसलिए है कि वो अभी अभी उठी है, लेकिन वो हमेशा ऐसी ही रहती है। सबसे जरूरी बात ये है कि सोफी को कुछ ना हो। अब जरूरी मेहमान को अपना पार्टी प्लान दिखाने का वक्त आ गया है। ब्लू मेहमानों को चुनने में मदद करने के लिए कह रहा है। यहाँ सभी के लिए उतनी जगह और ट्रीट्स नहीं है, उन्हें सबसे जरूरी वाले चुनने होंगे। सोफी हगी वगी से मिलना चाहती है, लेकिन ब्लू उसे नहीं बुलाना चाहता क्योंकि उसे उसके पैसे देने हैं। वो हर मुमकिन तरीके से सोफी का मन बदलने की कोशिश कर रहा है। पता चला है कि उसे बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं। कमेंट्स में लिखें कि उन्हें पार्टी में किसे बुलाना चाहिए। लेकिन याद रखें कि आप सिर्फ चार को ही चुन सकते हैं। सोफी को पार्टी की तैयारी करने में, अपने आइडल की मदद करने में बहुत मजा आता है, लेकिन ऑरेंज हमेशा लड़की का एक बाइट खाने की कोशिश करती रहती है। और सबको कैंडी मिलेगी, कोई भी लड़की को नहीं खा सकता। ये हमारी पार्टी का पहला रूल है। दूसरा रूल, पहले वाले रूल को फिर से पढ़ना और कैंडी खाना है। ब्लूज पर नजर रखेगा। ओ, क्या हो रहा है? लड़की कहाँ है? पैरों वाला डब्बा, इसे किसने बुलाया? ये सोफी है। वहाँ से निकलो। और ऑरेंज को जो दिखता है वो उसे खा लेती है। उसने एक कैंडी रैपर देखा और सोचा कि ये खा सकते हैं। असली ब्लू को पहली बार अपने खिलौने के साथ खेलने का मौका मिला है। ओह, कोई कॉल कर रहा है। ये उसका पुराना दोस्त है। हाय दोस्त। क्या, कौन? एक मिनट रुको, वहाँ कौन है? एक डिलीवरी मैन, लेकिन ब्लू ने कुछ भी नहीं मंगवाया। ठीक है, ऑरेंज ने चीज पिज्जा के साथ एक डिलीवरी मैन मंगवाया था। अब तुम्हें इस लड़के से जलन नहीं होगी। उम्मीद है कि उनका सिर्फ पिज्जा और डिब्बे का खर्चा होगा और उन्हें फिर से काम बंद नहीं करना पड़ेगा। मैं दूध के कार्टन और एड्स पर डिलीवरी मैन की तस्वीर नहीं देखना चाहती। ब्लू मदद करेगा, लेकिन उसे भी उससे डर लगता है। कुछ नहीं कह सकते कि वो कब क्या कर दे। भूखी लड़कियों को गुस्सा दिलाना बहुत खतरनाक है। किसी दिन वो उस पर हमला कर सकती है। बेचारा डिलीवरी मैन जल्दी काम पर वापस नहीं जाएगा। वो कुछ वक्त हॉस्पिटल में बिताने वाला है। मेहमानों की लिस्ट पूरी हो गई है। सोफी और ब्लू ने एक समझौता कर लिया है। अब सजावट का वक्त शुरू होता है। ओह, ये मॉमी है। उन्हें पता चला कि उन्हें बुलाया नहीं गया था। उम्मीद करती हूँ कि उनकी लड़ाई नहीं होगी। नहीं ब्लू, पीछे देखो, मॉमी ने सोफी को चुरा लिया। वो किसी चीज पर ध्यान नहीं देता बाकी लड़कों की तरह। काफी देर हो चुकी है, बेबी काफी पहले ही चली गई थी। ब्लू ने सोचा कि सोफी उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रही है, जब तक उसने नाराज विलन्स का मैसेज नहीं देखा था। ये मॉमी की खुद की गलती है। थैंक्सगिविंग पर उन्होंने पूरी टर्की खा ली थी। ऑरेंज बहुत गुस्से में थी।
ब्लू ने उसे फिर से ना बुलाने का वादा किया था और अब एक मासूम लड़की को भुगतना पड़ रहा है। ऑरेंज और मॉमी बहुत बड़े दुश्मन हैं। उसको उस टर्की का बदला लेने में खुशी होगी। सोफी के डैड ने फिर से अपनी बेटी से मिलने का फैसला किया और आखिरकार उन्हें पता लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। उन्हें सोफी नहीं मिल रही। बेचारी लड़की को मदद की जरूरत है और उसके डैड गेम्स खेल रहे हैं। उन्होंने एक मिनट के लिए सोचा शायद कोई क्लू या साइन मिल जाए। ओह हाँ, आखिरकार मैट्रेस के नीचे कुछ अजीब चल रहा है। यहाँ जादुई दुनिया में जाने के लिए एक पोर्टल है। ऑरेंज ने डैड को रोडियो के एक बैल की तरह बेड से गिरा दिया। सरप्राइज डैडी। उन्हें लगा कि वो सोफी है, लेकिन आमतौर पर उनकी फैमिली में वो एक दूसरे को नहीं बांधते। इस बार ये कुछ सीरियस है। दुनिया में सिर्फ टीवी ही एक ऐसी चीज है जो डैड को अपने काबू में कर सकती है। उन्हें कुछ खाना और ये उनका पूरा दिन अच्छा बना देगा। यहाँ तक कि ऑरेंज को भी डोरा द एक्सप्लोरर में दिलचस्पी है। स्वाइपर कहाँ है? वो वहाँ है, पेड़ के पीछे। ऑरेंज अपना खाना कभी किसी को नहीं देती और ब्लू ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि छोटी सोफी को कैसे बचाया जाए। मॉमी ने उसके साथ खेलने का फैसला किया है। ठीक है, चलो खेलते हैं। उसने ऊपर देखा और टाइमर शुरू कर दिया। तोहफे से खुद को बचाना कितना मजेदार होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इन डिब्बों में ईटे हैं। और इतना ही नहीं है, उससे उनसे टावर बनाने होंगे। रेनबो के सभी रंग सही जगह पर होने चाहिए। ऐसा लगता है उसने कोई गड़बड़ नहीं की। और यहाँ लेटर्स वाले क्यूब्स हैं, इनसे एक वर्ड बनता है। बेशक ये वर्ड फ्रेंड्स है। ब्लू ने बहुत अच्छा काम किया, हालांकि ये बहुत मुश्किल था। छोटी सोफी कैसी है? विलन के जाल में बिल्कुल अकेली। उसे आजाद करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। प्लीज दोस्तों, चलो मिलकर सोफी की मदद करते हैं। ब्लू सचमुच बहुत परेशान हो रहा है। कौन जानता है कि इस मॉमी के दिमाग में क्या है। उसके पास एक आइडिया है, उसे उसी की तरह सोचना होगा। विलन इसके लिए जाल और जाहिर है उसे चारे की जरूरत होगी। स्वीट से ज्यादा स्वादिष्ट और क्या हो सकता है? शायद पेंसिल्स। वो एक आर्टिस्ट हुआ करती थी। नहीं, उसे ये नहीं चाहिए। उसे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। उसे बस छिपकर इंतजार करना होगा। ब्लू को कुछ सुनाई दिया, लेकिन जाल काम नहीं आया। मॉमी यहाँ जरूर आई थी। ब्लू इन किसेस को कुछ और नहीं समझेगा। मॉमी ने उसे फिर से पागल बना दिया। वो हमेशा एक कदम आगे ही होती है। उसे इससे नफरत है। देखो, वो अभी भी उसका मजाक उड़ा रही है। बहुत वक्त से मिले नहीं ऑरेंज। वो पहले ही सोफी के डैड की दोस्त बन चुकी है। उनमें काफी कुछ एक जैसा है। वो दोनों डोरा द एक्सप्लोरर और सैंडविच से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक चीज है, ऑरेंज ने अपनी सभी दोस्तों को सैंडविच की तरह खा लिया है। डैड समझते हैं दोस्तों में कुर्बानी देनी पड़ती है, मजे करना सबसे जरूरी है। ऑरेंज को उनमें बस थोड़ा मसाला डालना होगा। ये डिनर बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है, ठीक वैसा जैसे उसे पसंद है। और डैड ज्यादा परेशान नहीं है। उन्हें लगता है ये एक गेम है। उन्होंने द मास्क फिल्म का एक गाना भी गाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि वो वहाँ फंस गए हैं। ब्लू बहुत परेशान है क्योंकि सोफी गायब हो गई है। उसे उससे बहुत प्यार हो गया है। एक मिनट रुको, टिशू कहाँ से आए? ये सोफी है। कितनी खुशी की बात है, लेकिन वो वहाँ से बचकर कैसे निकलेगी? सोफी ने विलनस को हरा दिया। बेबी ने कराटे सीखा हुआ है। ये उसका कोबरा स्टाइल है। वो लाइट से भी तेज है और उसके हमले इनविजिबल हैं। हे ब्लू, ऑरेंज कहाँ है? वो उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। वो सोफी को ढूंढने गई थी, लेकिन उसे कुछ स्वादिष्ट मिल गया है। डैड को ऐसी दोस्ती अब और पसंद नहीं आ रही। वो बहुत तेज चिल्ला रहे हैं। ऑरेंज के सिर में दर्द हो रहा है। ब्लू बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच गया है, लेकिन एक भूखी लड़की को रोकना इतना आसान नहीं है। उसे कुछ बड़ा करना होगा और बदले में उसे कुछ देना होगा। बड़े हेडफोन्स, उसे यही चाहिए थे। अब उसे बड़े कान चाहिए। और डैड अब आजाद है, लेकिन ऑरेंज के साथ फिर से दोस्ती करना बेहतर रहेगा। वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद दोस्ती की जीत हुई। और एक सेब। इस तरह एप्पल के लोगों का जन्म हुआ।
ऑरेंज ये कहानी सबको सुनाती रहती है पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन कोई भी ये बात उसे सीधा नहीं बोल सकता। सबसे जरूरी ये है कि पार्टी बढ़िया रही। ऑरेंज के लिए इन स्वादिष्ट उंगलियों के सामने ज्यादा देर तक खुद को रोकना मुश्किल है। कोई बात नहीं, डैड के दूसरे हाथ में भी उंगलियां हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। ब्लू ऑरेंज को देख रहा है ताकि वो हद पार न करे। सोफी को कुछ याद आया, ये जरूरी है। उसने मॉमी को भी बांधा था और उसे अकेला छोड़ दिया था। उसे अच्छे से बर्ताव करना और दोस्त बनाना सीखना होगा। और उसके डोमी कोई प्रैंक कर रही है, वो जीतने के लिए कुछ भी कर रही है। मॉमी लॉन्ग लेग्स बिल्कुल उसके पीछे है। अपने आइडल से मिलकर वो बेहोश हो गई। मतलब ये ग्रीन प्रैंक काम कर गया। जेनी को थोड़ा समय मिल गया और समय कीमती होता है। मॉमी लॉन्ग लेग्स पैसों को नए ग्लव्स खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। टिप के बारे में मत भूलना। नया चैलेंज, लड़कियां अपना निशाना देखेंगी। जेनी ने पहली बार में ही बॉल बास्केट के अंदर डाल दी। मेलनी घबरा रही है, लेकिन उसे विश्वास है कि वो कर सकती है और उसका निशाना लग गया। लेकिन जेनी अभी भी उससे एक पॉइंट आगे है। मेलनी का हाथ आखिरी सेकंड में हिल गया था, जेनी ने नहीं देखा, इसलिए अब मेलनी चीट करेगी। उसे जीतने का बहुत शौक है और वो जीतने के लिए कुछ भी करेगी। जेनी को शक हो रहा है। नीचे कॉमेंट करें और बताएं अगर मेलनी ने कुछ गलत किया है। पिंक बहुत सुंदर कलर है, काश पूरी दुनिया पिंक होती। पेंट की ये कैन जादू की छड़ी की तरह है, ये सारी चीजों को पिंक और सुंदर बना रही है। मेलनी को कोई नहीं रोक सकता। जेनी के ऊपर भी पिंक मैजिक चल गया। ईयू, मेलनी को लगने वाली थी। ये किसका स्केटबोर्ड है? ये कलर जाना पहचाना है। ओनर उसे वापस लेकर खुश है। जेनी का बैलेंस अच्छा है और अगर वो व्हील्स पर काम करेगी तो ज्यादा काम कर पाएगी। चलना क्यों है जब इधर उधर घूमकर हवा के मजे ले सकते हैं। जेनी हर चीज को ग्रीन करना चाहती है। उसके घर में सारा सामान ग्रीन कलर का है। वो इसका क्या करेगी? वो इससे ग्रीन दीवारों पर लगाने के लिए ग्रीन शेल्फ बनाएगी ताकि वो उस पर ग्रीन चीजें रख सके। जेनी को और शेल्फ और ग्रीन सामान की जरूरत है और उसका रूम जंगल की तरह है। मेलनी को नेचर से डर लगता है। ये डरावनी आवाज कैसी है? पीछे कौन है? ये बैबून है या टाइगर है? ये जेनी है। यहाँ एक चोर है। मेलनी की टेट्रिस उसके कलर से मैच नहीं कर रही। जेनी ने एक नियॉन स्नेक बनाया। वाओ, ये टेट्रिस जादुई है, लेकिन जादू से इसकी बैटरी खत्म हो गई। हमें इसके चार्ज होने तक का इंतजार करना होगा। ये बढ़िया कलर है। जेनी पूरी तरह से जीतने के लिए तैयार है। मेलनी का जेनी की लाइटिंग देखकर कुछ बनाने का मन कर रहा है। वो उसकी एनर्जी को मैच करना चाहती है। नियॉन पिंक लाइट्स एक अच्छी चॉइस है। ये कमाल का है। जब जेनी टेट्रिस खेल रही थी, मेलनी उसे हरा रही थी। इसका अच्छा निशाना है। ये रहा क्लीनर। उसे ये देखकर खुशी होगी। वो हमेशा से फेरी बनना चाहता था। उसके सपने सच हो रहे हैं। मेलनी च्विंगम खा रही थी और उसे एक अच्छा आइडिया आया। ओह बिल्कुल, बलून्स मजेदार होते हैं और उन्हें लगाकर बिल्कुल पार्टी की तरह लगेगा। मेलनी को ऐसा करने के लिए बहुत सारी गम को चबाना होगा। जेनी को जलन हो रही है। ये बकवास आइडिया लग रहा है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। ये जितना दिखता है उससे ज्यादा मुश्किल है। ओप्स, ये बुरा है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। जेनी के सीक्रेट रूम में कुछ मिसिंग है, लेकिन क्या? ओह, ग्रास ग्रीन रग। नो डॉग्स का साइन लगाना मैं नहीं भूल सकती, लेकिन उसकी बुरी डूमी यहाँ है। उसका चेहरा देखो, वो पक्का कुछ गड़बड़ करेगी। वो जेनी के सारे प्लांट्स को खराब करने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो रग खराब कर रही है। तुम बहुत मतलबी हो। जेनी की सॉक्स भीग गई। उसे लगा ये बस मॉर्निंग ड्यू है। तो क्या हुआ अगर अभी दिन है? उसका ड्रायर उसकी मदद कर सकता है। इसे सुखाना शुरू करो। ओप्स, कोई बात नहीं। उस समय वो एक मुश्किल पजल कर रही थी। क्या, ये सॉक्स कहाँ से आई? पजल का आखिरी टुकड़ा कहाँ गया? सारे पिंक सामान में ढूंढना मुश्किल है। पक्का वेट सॉक्स नहीं चुराई होंगी। मेलनी इस परेशानी को और नहीं संभाल पाएगी और उसे ऐसा लगा कि बड़ी पजल ज्यादा अच्छी होती है। ये क्या है? बढ़िया टाइमिंग है।
बदकिस्मती से सारी ग्रीन चीजें स्वादिष्ट नहीं होती। जेनी को लेटस खाना होगा क्योंकि ये उसका मनपसंद कलर है और मेलानी उसे कैंडी खाकर चिढ़ा रही है। वो अभी भी लड़ रही है, उनमें से कोई एक ही जीत सकता है। जेनी को खाना मीठा करना आता है। अब लेटस शुगर से भी मीठा है। इस तरह से मैक्रोन्स बड़े होते हैं। तुम्हें ये कैसा लगा मेलानी? ये हंसने की बात नहीं है, पिंक रूम सुंदर लग रहा है। अगर मेलानी जेनी को हराना चाहती है तो उसे मेहनत करनी होगी। जब रूम तैयार हो जाएगा ओनर अपने आप इसको संभाल लेगी। जब वो टॉप प्राइज जीतेगी तो वो सुंदर दिखना चाहती है। ये शीशा आई लैशेस के लिए बहुत छोटा है। उसकी दुनिया में सब कुछ पिंक है, उसके पास सब कुछ है। क्या उसने अपने सुबह के सपने से शीशा चुरा लिया? वो हो, अब वो अपनी रिफ्लेक्शन को ठीक कर सकती है। जेनी को क्या हुआ? वो फेस मास्क बना रही है। एक जरूरी कॉल से उसका ध्यान भटक गया, लेकिन कम से कम ये फेस टाइम नहीं है। मेलानी इसका फायदा उठा सकती है। नहीं जेनी, ये अपने चेहरे पर मत लगाओ, उसे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ठीक है, जो करना है करो। आहा, मास्क साफ नहीं हो रहा, ये मजेदार नहीं है। ये घर पर ट्राई मत करना। और वो अपने जाल में ही फंस गई। अपने फिंगर्स अलग करो मेलानी। मेलानी को अपना मेकअप करना है। मुझे कौन सा कलर चुनना चाहिए, पिंक या पिंक? पिंक बिल्कुल, ये बढ़िया है। मेलानी अपनी सुंदरता भी नहीं संभाल सकती। गिरने के बाद उसे एक अच्छा आइडिया आया है। मेकअप शेल्फ कैसा रहेगा? अब ये एक जगह पर रहेंगे। जेनी के पास उसका फेवरेट एनिमल है और ये फ्रॉग है। उसे ये बहुत पसंद है। वो इसके लिए दोस्त बनाएगी। और ये पूरा फ्रॉग बैंड है। ये क्या है? एरो? ध्यान से, तुम फ्रॉग को मार दोगे। ओह, ये आर्चर प्यारा है। क्या ये फ्रॉग्स को क्यों मार रहा है? क्या ये पागल है? अब फ्रॉग का भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन जेनी का नहीं है। ये अजीब चीज क्या है? जेनी को लगा ये मेलानी का है और वो इसके बारे में पता लगाने चली है, लेकिन मेलानी कंफ्यूज्ड है। उसके पास भी एक है, अगर हम इन्हें जोड़ दे तो। वो हो, हमने पोर्टल खोल दिया। जेनी गायब हो गई। अब सिर्फ ग्रीन कॉइन बचा है। उसे उम्मीद है कि मेलानी ये ठीक कर सकती है। आखिरकार एंगेजमेंट हो गई। बुके टॉस करना जरूरी है। बेटी और मोनिका शादी के लिए पागल है। कैट को डर लग रहा है। सभी तैयार हैं। वो आ रहा है। वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर बुके ने अपना हकदार चुन लिया है। लड़कियां कैट से बुके छीनने वाली है। आराम से। कैट कहाँ जा रही है? मोनिका की नजर उस पर है। उसने अपनी शादी की तैयारी करनी शुरू कर दी है। ये शहर की सबसे बढ़िया शादी प्लान करने वाली एजेंसी है। मैनेजर को बिल्कुल भी कैट के हालात समझ नहीं आ रहे। उसके पास इस महीने बिल्कुल समय नहीं है, पर कैट इससे पीछे नहीं रहेगी। शादी हो कर रहेगी, चाहे जो हो जाए। पैसे चाहिए। अचानक से एक डेट मिल गई। ये काम कर गया। वो इसमें बहुत जल्दी कर रही है। लड़कियां अंदर दरवाजा तोड़कर आई हैं ताकि कैट उनसे पहले शादी ना कर ले। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कैलेंडर में क्या है। एक दिन में तीन शादियां। जो के पास करने को बहुत काम है और बहुत सारे पैसे हैं, पर ब्राइड उसे अकेला नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने अभी तक प्लान क्यों नहीं बनाया? अब उसे जल्द से जल्द आर्च बनाना होगा। बेटी खुश नहीं है, उसे सब कुछ सही चाहिए, पर वो बता नहीं पा रही कैसे। हमें साइकिक की जरूरत पड़ेगी। जो करना है करो। अच्छा ठीक है, प्यार ने एक सुंदर सा पेड़ उगा दिया है, या ये फर्टिलाइजर से बड़ा हुआ है। कलर चैलेंज का मतलब बेटी का ट्री ग्रीन कलर का होगा। परफेक्ट है। जो फ्लावर्स लाया, पर उसके पास कोई लव मैजिक नहीं है।
एक और पागल ब्राइड जो एक मुसीबत में है। कैट को ग्रीन से नफरत है, उसका आर्च पिंक होना चाहिए। जो को सब कुछ फिर से करना होगा, उसने तो अभी शुरू भी नहीं किया है और ये अभी से काम नहीं करना चाहता। उसने ये तक नहीं सुना कि मोनिका क्या चाहती है। ये सही समय नहीं है, उसे सब फिर से करना होगा। कैट काम देखने आई है, वो हैरान है और उसे काम पसंद आया है। मोनिका को सी का ब्लू कलर बहुत पसंद है। उसे पता है सही आदमी और फिश को कैसे फंसाना है। उसका आर्च एक ओशन की तरह होगा, जिसकी प्यार भरी लहरें सुनामी में बदल कर न्यूलीवेड्स को खुश कर देंगी और फिश भी। ये बहुत अच्छा बना है। कैट को ताजी फिश चाहिए पर मोनिका उसे बांटना नहीं चाहती। पर इस रेड हेयर प्रेडेटर को पहले उससे होकर गुजरना होगा। ये भी एक बीस्ट है। कैट डर गई, उसे लंच कहीं और ढूंढना होगा। लड़कियां शादी की सजावट में बिजी हैं। सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, जैसा कि उन्हें पसंद है। कोई काम चलाओ काम नहीं, सब प्लान के हिसाब से होगा। कैट को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए वो अपनी शादी पर बहुत सारे डिजर्ट खाएगी। बेटी की ग्रीन वेडिंग में सिर्फ हेल्दी फूड ही मिलेगा, ताजी सब्जियां और फ्रूट्स जो वो खुद उगाती है। कैट उस पर हंस रही है। बेटी जिम्मेदारी निभा रही है और अपना फिगर देख रही है। कैट को लगता है मीठा खाना उसके लिए बढ़िया है। उसने ये टिकटॉक पर देखा था, पर उसके सोर्स ने उसे फेल कर दिया। अब वो भी एक हेल्दी डाइट पर है। सोच रहे हैं वो ऐसा कितने समय तक करेगी।